हे गाइस, जय माता दी। सलमान भाई, जय माता दी। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, भाई का नाम ना हो मेरे वीडियो में, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। गाइस, मैं बना रही हूँ आज पनीर पारे, जिसे शक्कर पारे भी बोलते हैं। तो मैंने पनीर पारे बना रही हूँ आज। मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं पनीर पारे बनाऊँ, और इसको बनाने में ना गाइस, यूट्यूब में तो देख के मैं बोलूँगी, पहले अच्छे से इसको सीखिए उसके बाद बनाए। मैंने क्या कहते हैं, मैंने तो ये ले लिया, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ आज कैसे बनाया जाता है। ये बहुत फेवरेट मिठाई है। इसमें ना गाइस बहुत बड़ी किस्सा है। हम देहरादून गए हुए थे अपने बेटे को छोड़ने के लिए, तो हम मिठाई ले रहे थे सर के लिए कि कुछ अच्छा मिठाई लेंगे, क्योंकि अमीर लोग हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि बड़े सर हैं, पता नहीं नॉर्मल मिठाई लेंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो हम गए सारे देहरादून में, जहाँ पे बेटे का एकेडमी था वहाँ से आसपास कहीं मिठाई की दुकान नहीं, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान। फिर हमने देखा, एक नज़र पड़ा ब्रांड का मिठाई का शॉप था गाइस, तो हम वहाँ पे चले गए। हमने प्राइस नहीं देखा, हमने देखा सारे यूनिफॉर्म पहन के सब लोग मिठाई सर्व कर रहे, सारे स्पून से, मतलब अलग ही था। पहली बार इतने बड़े मिठाई के शॉप में हम गए हैं, भैया हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, इतने बड़े मिठाई की दुकान में। वहाँ पे स्टार्डी था, मेरे लिए बहुत महंगा प्राइस है, 1000 रुपये का था एक किलो मिठाई, स्टार्डी 1000 से था वहाँ पे। तो हमने मिठाई देखी, तो हमने इतने कलरफुल मिठाई देखी, जो नॉर्मल मिठाई की दुकान में मिठाई होता है तो कहते ना हमेशा प्रेजेंटेशन कैसा होता है। ये मैंने चीनी की चाशनी बना ली, एक तार आने वाला है गाइस, इसमें डाल देंगे हम पनीर। तो मैंने देखा कि यहाँ पे देखते हैं यहाँ से मिठाई, तो मैं तो टेंशन में थी कितना इसमें डाल देंगे गाइस, हमने डाल दिया। कि मैं इसमें बातें भी करूँगी तो अपने मन की बात तो मैं करूँगी इस पर, जो जो अपने साथ घटी है जीवन में, बहुत मिडिल क्लास के जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे घटती है कि आप सोचोगे ना तो बहुत ज़्यादा, ये सबके साथ ही आम ही बात है। मैं जो बोलती हूँ, मैं जो सोचती हूँ, मैंने देखा काफ़ी सारे लोग वो बोलते हैं, वो सोचते भी हैं। हमने मिठाई ली, अब मैं कैसे, 1000 रुपये से मिठाई, नॉर्मल मिठाई गाइस वहाँ पे 1000 रुपये से स्टार्ट था। तो हमने कहा कि चलो 1000 वाला मिठाई ले ले, बेटे को एडमिशन करवाना भी था, 6 लाख रुपये देना है भाई, 6 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम है हम जैसे लोगों के लिए, 6 लाख कैसे हम जोड़ते हैं, तो वो टेंशन भी थी, तो हमारे बहुत हिसाब से चलना पड़ा था। फिर मैंने शक्कर पारे देखे गाइस, पनीर वाले, ये मेरा फेवरेट भी बोल सकते। आज मैं कुछ भी अपना फेवरेट नहीं बोलती, मैं तो कहती मेरा चीनी भी फेवरेट है, क्योंकि मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मिले हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल में भी काफ़ी सारे मेरे अपने लोग हैं कि अगर उनको पता चला कि मेरा क्या चीज़ फेवरेट है तो मुझे रोज़ खिला खिला के परेशान करेंगे, मुझे पता है। इसलिए मैं ना हमेशा कहती हूँ कि मुझसे जब भी पूछा जाता है आपका फेवरेट क्या है, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मुझे चीनी भी बहुत फेवरेट है, प्यार से आप कुछ भी खिला दो पिला दो तो मुझे सारी चीज़ फेवरेट है। इतना कोई मेरा कोई भी चीज़ ऐसा कुछ नहीं कि जैसे मेरा कोई भी एक शौक है, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी खिला दो। ये देखो मैंने डाल तो दिया, ये 1 घंटे तक गाइस मेरा कल का ना, मेरा हाथ में ना एक्सरसाइज जैसे करते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, तो मेरे एक हाथ का बॉडी बढ़ ही गया है, क्योंकि इसको हिलाते 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 ये कहीं पे सूखा नहीं, बस हल्का फुल्का सूखा। तो मैं बहुत टाइम तक हिलाती रही, मतलब 1 घंटे तक मैं इस पनीर पारे के पीछे लगी, और ऐसे ही गाइस धीरे धीरे कर करके मैं 1 घंटे तक किचन में खड़ी रही। तो एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत होते, हम देख लेते यूट्यूब में और हम लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते, अरे मज़ा नहीं आ रहा इसकी वीडियो में, क्या करें ये तो बकवास।